Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu Complete newspaper analysis for 25th of January 2019. तो 25 जनवरी 2019 का न्यूज़ एनालिसिस देखते हैं. बिफोर वी स्टार्ट वी हैव अपलोडेड द पीडीएफ फ्रॉम अगस्त 2018 टू अक्टूबर 2018. अगस्त 2018 से लेकर अक्टूबर 2018 तक का पूरा पीडीएफ अपलोड है एंड दैट इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ जिसके हिंदू भी है, पीआईबी भी है, प्लस अदर सोर्सेज लाइक विकास पीडीएफ, इन सबको हमने क्वेश्चन फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया उसमें. ओके, तो यू कैन सी द सैम्पल अपलोडेड है. अगर आपको लगता है कि आपका करंट अफेयर्स वीक रह गया है फ्रॉम दैट पोर्शन, तो यू कैन गेट दैट पीडीएफ. ओके, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन. लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चंस पार्ट्स फ्रेंड. क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं आज के. द फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लिटिन रिवर. तो लिटिन रिवर अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थी, तो पहले तो बताइएगा क्यों न्यूज में थी. और इसके दो स्टेटमेंट्स दिए हैं. फर्स्ट इज इट रन्स अ कोर्स थ्रू लद्दाख, तो लद्दाख से फ्लो करता है. दिस इज क्वेश्चन नंबर वन, दिस इज स्टेटमेंट वन. सेकंड स्टेटमेंट इज सेइंग इट फ्लोज थ्रू द इंटायर लेंथ ऑफ पाकिस्तान टू मर्ज इनटू द अरेबियन सी. सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये पूरा पाकिस्तान से फ्लो करते हुए एंड बाद में मर्ज हो जाता है अरेबियन सी में. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत. ऑप्शंस आर वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर टू, शिव कुमार स्वामी वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ विच सेक्ट हु पास्ड अवे रिसेंटली. तो रिसेंटली शिव कुमार स्वामी, इनको द वॉकिंग गॉड भी कहा जाता था. ही वॉज ऑल्सो नोन एज द वॉकिंग गॉड. ओके, तो ये भी आप पॉइंट याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जामिनेशन में. तो शिव कुमार स्वामी वॉज ऑल्सो नोन एज द वॉकिंग गॉड. पद्म भूषण इनको मिला हुआ है. एंड ही वॉज द स्पिरिचुअल लीडर ऑफ विच सेक्ट जिनकी अभी डेथ हुई है. तो ऑप्शन आर वैष्णविज्म, लिंगायतिज्म, शक्तिज्म या तैंत्रिज्म. दीज आर द फोर ऑप्शंस फॉर यू. क्वेश्चन नंबर थ्री, विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 14th सेशन ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज टू यूएनसीसीडी. यूएनसीसीडी यानी कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. ओके, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन. तो यूएनसीसीडी का सीओपी 14 होने वाला है 2019 में. ये कौन सी कंट्री होस्ट करेगा? ऑप्शन आर ब्राजील, कनाडा, साउथ अफ्रीका या इंडिया. सो दीज आर द थ्री क्वेश्चंस फॉर यू. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट. ओके, तो इफ यू हैव द न्यूज पेपर इन आइदर फिजिकल और डिजिटल फॉर्मेट, प्लीज ओपन द न्यूज पेपर. वी विल बी कंप्लीटिंग दैट टुगेदर. द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग जस्टिस सीकरी ऑप्टिंग आउट ऑफ द सीबीआई चीफ अपॉइंटमेंट केस. अब देखो, एक दो इवेंट्स है. सबसे पहले आलोक वर्मा का केस हुआ. देयर वाज एलिगेशन ऑफ ब्राइबरी ऑन आलोक वर्मा. आलोक वर्मा डिड द सेम एलिगेशन ऑन राकेश अस्थाना. ओके, आलोक वर्मा वाज द डायरेक्टर, राकेश अस्थाना वाज द स्पेशल डायरेक्टर. ओके, उसके बाद क्या हुआ कि आलोक वर्मा को रिमूव कर दिया गया. एम नागेश्वर राव को लाया गया. नागेश्वर राव वॉज ब्रॉट इन टू दैट. नाउ मेनी पीपल वर पिटिशनिंग दैट दिस अपॉइंटिंग एम नागेश्वर राव वॉज नॉट वेरी लीगल, वॉज नॉट हैविंग द प्रॉपर प्रोसेस. बिकॉज कि जब सीबीआई का डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है तो एक कमेटी बनाई जाती है. दैट कमेटी कंप्राइजेज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हिज नॉमिनी. देन प्राइम मिनिस्टर इज देयर विच हु इज हेडिंग दैट कमेटी. देन लीडर ऑफ अपोजिशन इज देयर. तो ये कमेटी बनाई ही नहीं गई एम नागेश्वर राव को अपॉइंट करने के लिए. सो दैट इज वाई देर वॉज पिटिशन दैट कि वो जो अपॉइंटमेंट था वो गलत था. नाउ रिसेंटली हमने ये भी देखा कि आलोक वर्मा के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई थी. ओके, सुप्रीम कोर्ट फॉर्मड अ कमेटी एंड जो फाइनल डिसीजन लेती आलोक वर्मा पे. एंड दैट कमेटी टू द डिसीजन टू रिमूव आलोक वर्मा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी और जस्टिस ए के सीकरी थे जो कि नॉमिनी थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, एंड मल्लिकार्जुन खड़गे थे. तो 2-1 से इसको रिमूव किया गया था आलोक वर्मा को. नाउ जस्टिस सीकरी इज ऑल्सो ऑप्टिंग आउट ऑफ दैट नागेश्वर राव केस. क्यों ऑप्ट आउट कर रहे हैं? बिकॉज उन्होंने कहा कि मैं सिंस आई वॉज द पार्ट ऑफ दैट कमेटी which removed Alok Verma, therefore I will not be the part of that committee who is looking into the case of M. Nageshwar Rao. तो बेसिकली केस ये है, यही यहाँ पे डिस्कस किया गया है. बाकी ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को उस केस के ऊपर ध्यान रखनी है. Now final NRC list must be out by July 31st. This is what Supreme Court is saying. तो NRC से तो पहले क्या होता है? National Register of Citizens. एक National Register of Citizens मतलब एक database बनाया जाएगा जिसमें वही लोग included रहेंगे जो कि proper citizens हैं. Okay? Now नाम से ही पता है क्यों ये एक्सरसाइज की जा रही है. Why this exercise is being done? इसका सिंपल सा रीजन ये है कि जो इलीगल माइग्रेशन हुआ था टूवर्ड्स असम फ्रॉम बांग्लादेश. ओके, देखो 1971 में हमारा बांग्लादेश बनता है. 1971 में बांग्लादेश में बनने के बाद बहुत सारे लोग थे हु माइग्रेटेड टुवर्ड्स असम एंड ऑल. ओके, तो इस नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में स्पेशली असम, यहाँ पे बहुत लोग मूव कर गए थे. एंड उन्हीं को सेपरेट आउट करने के लिए, उन्हीं को चॉक आउट करने के लिए ये बेसिकली पूरी एनआरसी की प्रोसेस हुई है. ओके, तो लेट्स गिव सम हिस्ट्री अबाउट दिस एनआरसी. मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. सिर्फ वही फैक्ट्स अपन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग इज दैट ये पहली बार एनआरसी कब हुआ था. द फर्स्ट टाइम एनआरसी टुक प्लेस was in 1951 by Home Ministry. Okay, तो ये बहुत important fact है, इसको ध्यान रखिए, याद रख लीजिए, रट्टा मार लीजिए. आपसे पूछेगा तो आपको, मतलब सोते समय कोई पूछे NRC के बारे में तो ये सारे points तो आपको बता ही देने हैं. तो first time NRC क्या हुआ था? 1951
किसने कंडक्ट किया था, होम मिनिस्ट्री ने। सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि इस बार की जो एनआरसी उसकी कट ऑफ डेट क्या है, कट ऑफ 8 लिख दिया है, सो कट ऑफ डेट आपको बताना क्या है इस बार के एनआरसी की। तो कट ऑफ डेट है 24th March 1971। ओके, तो 1971 को ही लिया गया है बेसिकली, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश बना था, उसके बाद से इलीगल माइग्रेशन बहुत ज्यादा शुरू हुआ, उसके पहले के लोग जो है उनको क्या बोलते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि 1971 के पहले के लोग क्या कहलाए जाएंगे, द पर्सन्स हु वर देयर इन 1951 एनआरसी और whose name were there in voter list till 1971, उनको कहा जाएगा legacy persons, okay? उनको legacy persons कहा जाएगा। तो अब तीनों चीज आपको याद रहेगी ना, first time 1951 by home ministry, cut off date 24th March 1971, legacy persons those whose name appear in either 1951 NRC or who are there in the voter list till 1971, okay? नाउ ये एक्सरसाइज क्यों की जा रही है, टू सेपरेट आउट द इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश टू असम, बांग्लादेश से जो इलीगल माइग्रेशन हुआ था उसको सेपरेट करने के लिए। नाउ रिसेंटली वेरिफिकेशन में लगभग 40 लाख लोग फेल हो गए थे, ओके? उसके बाद दोबारा उनको बोला गया कि ठीक है आप और सबमिट करिए डाटा और ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने दोबारा डेटा सबमिट किया है, तो अब उनका फिर से फेट लटका हुआ है अधर में कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बेसिकली वही सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि 31 जुलाई तक एनी हाउ आपको एनआरसी की प्रोसेस कंप्लीट कर देनी है। सो दिस इज बेसिकली द न्यूज़ आइटम, सारे फैक्ट्स अपने ने डिस्कस कर लिए। अब यहाँ पे आपको आर एस शर्मा दिख रहे होंगे, ट्राई लिखा हुआ दिख रहा होगा, पे ओनली फॉर द चैनल्स यू वांट लिखा है एंड न्यू डीटीएच टैरिफ लिखा है, तो नाम तो क्लियर है, न्यूज़ भी क्लियर हो गई होगी, है ना, कि ट्राई ने नए रूल इंप्लीमेंट करने वाली है फरवरी 1 से, जो कि नए डीटीएच टैरिफ लगाएंगे एंड यू शुड ओनली पे फॉर व्हाट यू वांट। ओके, जो चैनल आप देखते हैं, जैसे आप जब भी टीवी चलाते होंगे तो बताता है ना कि ये चैनल आप 2 रुपये में देख सकते हो, 1 रुपये में देख सकते हो, एंड तो अपन अब नई सुविधाएं आ रही हैं धीरे धीरे कि यू हैव टू पे ओनली फॉर द चैनल्स यू वांट टू वॉच एंड ऑल। ओके, लेट्स सी कि ट्राई क्या है, बेसिकली ट्राई बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो ट्राई के बारे में पढ़ लेते हैं अपन। इस न्यूज आइटम का बेनिफिट ये होगा कि आपको ट्राई के बारे में पता चल जाएगा, एटलीस्ट ये तो पता ही चल जाएगा कि कब बनी थी। तो ट्राई का बेसिकली फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिस तरीके से हर फील्ड का एक रेगुलेटर होता है, ये टेलीकम्युनिकेशन का रेगुलेटर है। ओके, रेगुलेटर मतलब क्या होता है, एक ऐसी बॉडी जो उस फील्ड के सारे कामों को देखती है, उस फील्ड में कॉम्पिटिशन मेंटेन कराती है, जैसे कि फूड में FSSAI है, ओके, वो भी एक तरीके से इंश्योरेंस में आपकी IRDAI है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ओके, ऐसे IRDAI सुना है ना आपने नाम, तो ये सारी चीज RBI है, हमारी ये बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, वो भी रेगुलेटर ही एक तरीके से। तो उसी तरीके से टेलीकम्युनिकेशन को कौन रेगुलेट करता है, ट्राई रेगुलेट करती है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब ट्राई कब बना था, ट्राई बेसिकली बना था अंडर सेक्शन 3 ऑफ द ट्राई एक्ट 1997, तो एक बन गई स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी क्लियर हो गया, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997 में आया था, उसके सेक्शन 3 के तहत ये बॉडी बनाई गई है, एंड इट इज द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड नॉट मोर देन 2 फुल टाइम मेंबर्स एंड नॉट मोर देन 2 पार्ट टाइम मेंबर्स। ओके, तो एक चेयरपर्सन होता है, 2 से ज्यादा फुल टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते और 2 से ज्यादा पार्ट टाइम मेंबर्स नहीं हो सकते। और इसमें एक अपेलेट बॉडी भी होती है, मतलब आपने कोई चीज़ की और ट्राई ने कोई डिसीजन लिया, नाउ इफ़ यू वांट टू गो अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ ट्राई, अगर आपको ट्राई के डिसीजन के अगेंस्ट जाना है, तो उसकी जो अपेलेट बॉडी है वो है TDSAT। ओके, तो उसको TDSAT बोलते हैं, ओके, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, आई थिंक टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल यही फुल फॉर्म होना चाहिए। ओके, तो कैसे वर्क भी हो जाता है अपना। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1997 एक्ट स्टैट्यूटरी बॉडी है, सेक्शन 3 से बनी है, एक चेयरपर्सन, 2 फुल टाइम मेंबर, 2 पार्ट टाइम मेंबर्स एंड रेगुलेटर ऑफ टेलीकॉम सेक्टर एंड अपीलेट बॉडी कौन सी है, TDSAT। ओके, तो ये सारे फैक्ट्स अगर आपको याद हैं तो बेसिकली आप कोई भी एक क्वेश्चन हैंडल कर सकते हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा डिटेल क्वेश्चन देखो पूछेगा तो किसी से नहीं बनेगा। अगर नॉर्मल इस तरह से अपने को बस ये देखना है कि जो क्वेश्चन सबसे बन रहा है वो गलत ना हो। ओके, सिलेक्शन अगर आपको यूपीएससी में चाहिए तो आपको उन क्वेश्चन से इतना डर नहीं लगना चाहिए जो क्वेश्चन किसी से नहीं बन रहे हैं, आपको उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है जो सबसे बन रहा है। ओके, तो प्लीज मेक श्योर कि वो क्वेश्चन कभी गलत ना हो जो सबसे बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिस्ट्री में वेवल प्लान पूछ लिया, तो वेवल प्लान समझ लो 90% लोगों से बन ही जाएगा, अगर आपने वेवल प्लान भी गलत कर दिया तो आपके चांसेस स्लिम हो जाएंगे। अब अगर आपसे कोई, जैसे उसने मैकब्राइड कमीशन पूछ ली थी, मैकब्राइड कमीशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि 1% से भी नहीं बनेगा। ओके, मैकब्राइड कमीशन रिपोर्ट पूछा था यूपीएससी ने, तो वह 1% से नहीं बनेगा। तो अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं बन रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वेवल प्लान नहीं बन रहा है, शिमला कॉन्फ्रेंस नहीं बन रही है और रंगराज ये सी राजा जी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ओके, देसाई लियाकत पैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो ये सारे क्वेश्चन ऐसे जो सबसे बनेंगे, 95% लोगों से बन ही जाएंगे, एंड अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन थोड़ा दिक्कत में पड़ जाएगा। तो आपको बस वो क्वेश्चन जरूर टारगेट करना है जो सबसे बनेगा, ओके, वो गलत नहीं करना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस, ये सारी
पजल वजल अपन क्रॉस कर लिए, ये पूरे ऐड ऐड भी आजकल बहुत ज़्यादा वैसे आने लगे ना, समझ ही नहीं आता कि ऐड है कि न्यूज़ है। तो अपन आदमी पढ़ लेते हैं और कभी कभी समझ में आता है कि वो ऐड नहीं था, वो तो न्यूज़ थी नहीं, वो ऐड था। तो किस तरीके से लिखा हुआ है बाकायदा, दीज आर एड्स, सो वी शुड मूव टू द नेक्स्ट पेज। यहाँ पे आपको एक चीज़ बता देता हूँ, नेशनल वोटर्स डे है टुडे, टुडे इज 25th जनवरी 2019 एंड आज है वोटर्स डे। हर साल 25 जनवरी को होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ 2019 हो रही है। सो नेशनल वोटर्स डे 25th जनवरी, और गेट रेडी फॉर लोकसभा इलेक्शन। इस साल लोकसभा इलेक्शन हैं तो गो वेरीफाई क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि आपको अपना इलेक्टोरल लिस्ट में अपना नाम देखना है। आपको अपनी ये मैं आपको एक टास्क भी देता हूँ, ये जरूर करिएगा, क्योंकि वोट नहीं डालते फिर लोग, एंड वोट डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ अगर आप में से किसी का नाम नहीं जुड़ा है अभी भी वोटर लिस्ट में, एंड आपको नहीं पता कि आपकी कंस्टिट्यूएंसी क्या है, आपने कभी वोट नहीं डाला, तो दैट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज। वहाँ सेल्फी लेने का भी मौका मिल जाता है, फोटो खिंचाने का मौका मिल जाता है। तो एटलीस्ट ये काम करिए, भले आप फोटो के लिए ही कर लीजिए, बट प्लीज डू वोटिंग देयर, ओके। एंड या अगर आपका नाम नहीं है, वो सब नहीं है, तो यू कैन कॉल द वोटर हेल्पलाइन 1950 और यू कैन डाउनलोड द वोटर हेल्पलाइन एंड्रॉइड ऐप ऑल्सो। तो ये आपको इलेक्शन की पूरा प्रोसेस है। देखो हर पेज में ऐड ही आ रहा है क्या आज, ओके। सो लेट्स मूव टू दिस न्यूज आइटम, दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम, होप फॉर केरला इन बांदीपुर डेडलॉक, ओके। तो होप फॉर केरला इन बांदीपुर डेडलॉक। नाउ व्हाट इज दिस, बेसिकली मैं आपको चीज़ बता देता हूँ, देर इज़ अ नेशनल हाईवे 766, नेशनल हाईवे 766 है जो कि आपके ये कर्नाटका और केरला को लिंक करता है। नाउ दिस नेशनल हाईवे 766 इट पासेस थ्रू द बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है आपका, ये कर्नाटका में है। ओके, रिमेंबर दीज फैक्ट्स कि बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ पर है, कर्नाटका में है। इसके थ्रू कौन सा नेशनल हाईवे पास होता है, नेशनल हाईवे 766 पास होता है। नाउ 9 साल पहले एक बैन लगा था कि दैट नो व्हीकल शुड पास, नो ट्रैफिक शुड पास थ्रू दिस बांदीपुर नेशनल पार्क बिटवीन 9 PM to 6 AM। ओके, 9 PM से लेकर 6 AM तक का कोई व्हीकल पास नहीं होगा, मतलब रात के 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई व्हीकल पास नहीं होगा थ्रू दिस 766 नेशनल हाईवे। अब नेशनल हाईवे है और अगर पास भी नहीं होगा तो कैसे ट्रैफिक कंट्रोल होगा, ओवर ट्रैफिक होगा, ये सारी चीज़ें कैसे जाएंगी। तो बेसिकली केरला और इन्होंने क्या डिसाइड किया कि केरला वांट टू, ये जो टूरिज्म मिनिस्ट्री है, जो आपकी सॉरी रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, दे डिसाइडेड टू बिल्ड एन एलिवेटेड रोड। ओके, 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाने की बात उन्होंने की, ओके, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने। बट मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट जो है वो इस प्रपोजल को नहीं मान रही है। सो बेसिकली दिस न्यूज आइटम इज ऑन द टसल गोइंग ऑन बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। ओके, तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज का एक इशू चल रहा है विद द इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिगार्डिंग दिस नेशनल हाईवे 766। ये जरूर याद रखेगा नाम, नेशनल हाईवे 766, एंड इसकी टोटल लेंथ वैसे 272 किलोमीटर है। ओके, एंड 35 किलोमीटर पासेस थ्रू बांदीपुर टाइगर रिजर्व। यहाँ पे आपको देखा लिख रहा होगा 35 किलोमीटर पासेस थ्रू द बांदीपुर टाइगर रिजर्व एंड वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब देखो बांदीपुर टाइगर रिजर्व आपका कर्नाटका में है एंड वायनाड जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो आपकी कहाँ पर है, आपकी केरला में है। तो वायनाड इज अ प्लेस इन केरला ओनली, तो ये भी याद रखिएगा। सारे फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, नेशनल हाईवे 766 आपको समझ में आ गया होगा। 5 किलोमीटर की एलिवेटेड रोड बनाने की बात कर रहे थे, कौन कर रहा था, ये कर रही थी ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। ओके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री, रोड ट्रांसपोर्ट वाली मिनिस्ट्री कर रही थी, बट उसका अपोजिशन कौन कर रहा है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री। क्यों कर रही है, बिकॉज उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीजें हो रही हैं एंड वी कैन नॉट अलाउ यू टू डिस्ट्रॉय द वाइल्ड लाइफ एंड ऑल। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस हो गई। नाउ इसरो टेस्ट इट्स फर्स्ट सक्सेस ऑफ 2019। तो जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि लॉन्च होगी क्या, माइक्रोसैट आर इन द PSLV C44। तो जो लॉन्च व्हीकल है, कैरिंग व्हीकल है, वो है PSLV C44 और उसमें केवल 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं। नाउ ये मैं आपको थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा कि दिस इज कैरिंग ओनली 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स, 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं इसमें। अब देखो अगर स्ट्रैप ऑन मोटर्स का वेट कम है तो मतलब आपकी आप पेलोड बढ़ा सकते हो। तो अगर देखो अगर नॉर्मल सी बात है कि अगर आपका इक्विपमेंट ही बहुत ज़्यादा वजनी हो जाएगा तो आप उसमें और ज़्यादा वजन तो नहीं डाल सकते, बट अगर आपका इक्विपमेंट ही हल्का है तो उसमें आप और ज़्यादा वजन डाल सकते हो। बेसिकली दिस इज द फंडा। तो अगर 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं और किसी में 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं तो 2 वाले में आप ज्यादा लोड कैरी करोगे, 6 वाले में आप कम लोड कैरी करोगे। ओके, तो बेसिकली दिस इज द फंडा गोइंग ऑन। नाउ इट लॉन्चेस द मिलिट्री सैटेलाइट माइक्रोसैट आर, PSLV C44 माइक्रोसैट आर को लॉन्च किया है। तो ये आप हमको पता चल गया कहां से लॉन्च किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया है, सतीश धवन स्पेस सेंटर से। एंड 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स है, इसका जो नाम है वो है PSLV DL। बेसिकली दिस इज, मैंने कल भी आपको बताया था कि इसके अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, एक PSLV XL है, PSLV Core Alone है, PSLV Generic है, दीज आर डिफरेंट वर्जन। नाउ दिस वर्जन इज PSLV DL। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। PSLV DL का मतलब है डुअल स्ट्रैप ऑन्स। ओके, डुअल स्ट्रैप ऑन्स मतलब हमने देखा कि 2 स्ट्रैप ऑन मोटर्स लिए गए हैं। ओके,
ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि अनदर वन जो होता है नॉर्मल सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स होता है, देर इज अ नॉर्मल सिक्स स्ट्रैप ऑन मोटर्स। अब हुआ क्या कि दिस विल इनेबल इट टू कैरी स्लाइटली हायर पेलोड दैन इट्स कोर अलोन वर्जन। तो जो डीएल वर्जन है वो ज्यादा पेलोड कैरी कर सकता है दैन इट्स कोर अलोन वर्जन। तो डिफरेंट वर्जन होते हैं, कोर अलोन, जेनरिक एंड ये। तो ये दो स्ट्रैप ऑन, छह स्ट्रैप ऑन याद रखेगा। और बेसिकली आपको याद रखना है कि ये डीएल है, पीएसएलवी डीएल है, डुअल स्ट्रैप ऑन है। डी से कल हमने देखा था डिमॉन्स्ट्रेशन, उसका फुल फॉर्म था। और हमने तीसरा फैक्ट पढ़ा कि माइक्रोसैट आर है। इसके अलावा एक और फैक्ट ये है कि ये 274 किलोमीटर पे ही सिचुएटेड है, द एल्टीट्यूड एट विच इट इज लोकेटेड इज 274 किलोमीटर। ओके, तो 274 किलोमीटर पे ही ये लोकेटेड है। एंड इसके अलावा कलाम सैट भी लॉन्च की गई थी। कलाम सैट इज 1.2 किलोग्राम, बेसिकली 1.26 किलोग्राम। एंड स्पेस किड्स इंडिया ने बनाया था इसको, स्पेस किड्स इंडिया इसने डिजाइन किया था कलाम सैट को, स्पेस किड्स इंडिया। नाउ इसरो ने एक और चीज बोली कि दे आर डेवलपिंग अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी, दे आर डेवलपिंग स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएसएलवी विच इज स्मॉलर देन पीएसएलवी। तो एसएसएलवी जो रहेगा वो स्मॉलर देन पीएसएलवी रहेगा। एंड द फर्स्ट एसएसएलवी लॉन्च विल टेक प्लेस दिस ईयर। ओके, तो एस एस एल वी लॉन्च इस साल किया जाएगा। एस एस एल वी यानी कि सॉरी, एस एस एल वी मतलब क्या हो गया, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी इस साल शुरू करेगा। नौ, मेघालय माइन से बॉडीज एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिया गया है। मेघालय माइन का नाम याद रखिएगा किसान माइन, KSAN। ओके, तो जो किसान एरिया था वहाँ का नाम था ये, तो याद रखिएगा ईस्ट जैंतिया हिल्स में थी, ईस्ट जैंतिया हिल में। इसके ऊपर पूरा एडिटोरियल आया है, तो वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल्सो। बट याद रखिएगा किसान माइन या किसान माइल, जो भी माइन जो भी आप बोलते हैं, KSAN स्पेलिंग याद रखिएगा, ईस्ट जैंतिया हिल्स में ये लोकेटेड थी, ये याद रखिएगा। ओके, इलीगल माइनिंग, रैट होल माइन का भी केस कहते हैं इसको। नो 18 इंडियन institutions टू स्टडी नाइट्रोजन pollution। बेसिकली क्या हो रहा है कि देर इज अ बॉडी नोन एज SANH। SANH का मतलब है साउथ एशियन नाइट्रोजन हब, साउथ एशियन नाइट्रोजन हब। तो अगर आपसे आज के बाद कोई पूछता है कि वॉट इज SANH, या फिर SANH वॉज इन न्यूज रिसेंटली, तो आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे SANH। ओके, तो दिस इज द टर्म SANH। सो दिस इज साउथ एशियन नाइट्रोजन हब। एंड इंडिया में इस ये बेसिकली जो SANH है वो 50 इंस्टीट्यूशंस का ग्रुप है। इट इज अ ग्रुप ऑफ 50 इंस्टीट्यूशंस जो कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की इफेक्ट, ये सारी चीजों को स्टडी कर रहे हैं। दे आर स्टडिंग नाइट्रोजन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑन द पोल्यूशन, ऑन द पॉपुलेशन, व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ नाइट्रोजन ऑन पॉल्यूशन एंड ऑल, ये सारी चीजें स्टडी कर रहा है कौन, SANH, जिसको हम बोलते हैं साउथ एशियन नाइट्रोजन हब। और साउथ एशियन नाइट्रोजन हब के अंदर 50 इंस्टीट्यूशंस है, और उसमें से 18 जो है वो इंडिया के इंस्टीट्यूशंस है। दैट इज द बिग थिंग फॉर अस। वैसे बेसिकली नाइट्रोजन होती है वो एक इनर्ट गैस होती है, एंड इट डजंट रिएक्ट, इनर्ट गैस होती है, रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन जब ये कंपाउंड बना लेती, जैसे नाइट्रस ऑक्साइड बना लेगी या कुछ इस तरह से कंपाउंड बना लेगी, तो इट इज हाईली रिएक्टिव, इट बिकम्स अ बायोलॉजिकल वेस्ट देन, एंड इट इज वेरी रिएक्टिव, और बहुत सारी चीजें क्रिएट कर देती है, जैसे कि पॉल्यूशन करना शुरू कर देती है, एक पोटेंट ग्रीन हाउस गैस बन जाती है, हीट ट्रैपिंग इफेक्ट उसके अंदर आ जाता है। तो अपने को याद रखें कि वैसे नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, लेकिन जब ये कंपाउंड बना लेगा, जैसे यहाँ पे N2O एग्जांपल लिखा हुआ है, N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड, तो ये से जब कंपाउंड बना लेगा तो ये फिर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस भी बन जाएगी, ये बाकी चीजें भी शुरू कर देगी। ओके, NOx का जो एमिशन है वो बढ़ गया है, 52% था फ्रॉम 1991 टू 2000 में 69% था। ओके, एंड ये सारी चीजें हैं, एंड 69% हो गया था फ्रॉम 2001 टू 2011। ओके, तो ये सारी चीजें की दिखा रही हैं कि NOx का एमिशन बढ़ रहा है। NOx क्या क्या चीजें क्रिएट करता है हमको ये भी पता है कि जैसे आपका NOx है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एसिड रेन के लिए, तो एसिड रेन जो होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और एसिड रेन का तो हमने पढ़ा ही है किस तरीके से जो ताजमहल और इस तरह के मॉन्यूमेंट्स इनको भी नुकसान पहुंचा रहा है। यहां आपको कॉजेज ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन लिखा हुआ दिख रहा होगा, कॉजेज ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन, तो एमिशन फ्रॉम केमिकल फर्टिलाइजर्स, याद रखिएगा केमिकल फर्टिलाइजर से नाइट्रोजन पॉल्यूशन होता है। देन बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से भी नाइट्रोजन पोल्यूशन होता है, तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल से होता है नाइट्रोजन पोल्यूशन, तो यस होता है। देन लाइव स्टॉक मैन्योर, तो लाइव स्टॉक मैन्योर से भी आपका लाइव स्टॉक मैन्योर में भी आपका नाइट्रोजन पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, एमिशन फ्रॉम लाइव स्टॉक मैन्योर्स। एंड की थ्रेट्स टू नाइट्रोजन पोल्यूशन क्या क्या है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, देन पोल्यूशन ऑफ रिवर एंड सीज, ओजोन डिप्लीशन, एंड हेल्थ, इकोनॉमी एंड लाइवलीहुड, इन सबको इफेक्ट पहुंचता है इन सारी चीज़ों से। तो अपने यहाँ पे ये डेटा भी देख लिया हमने, ये फैक्ट्स भी डिस्कस कर लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जिसको लिखी हुई थी कि इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव, तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव के बारे में भी बता देता हूँ, ताकि अब आपको इसके बाद कुछ और देखने की जरूरत ही ना पड़े, है ना, अपन पूरा ही कंप्लीट कर लेते हैं।
तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव बेसिकली क्या है, एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है विच वॉज सेटअप इन 2003। तो इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव कब बना था, 2003 में सेटअप हुआ था एज अ प्रोग्राम अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट। स्कोप बोलते हैं इसको, साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट, इसको स्कोप बोलते हैं, उनके अंतर्गत ये इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव बनाया गया था। कब बनाया गया था, 2003 में बनाया गया था। एंड ये स्कोप के अंदर आता है प्लस आईजीबीपी के अंदर आता है। आईजीबीपी यानी इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम। ओके, तो इंटरनेशनल जियोस्फेयर बायोस्फेयर प्रोग्राम और स्कोप जिसका फुल फॉर्म है साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट, इन्होंने मिलकर इसको स्टार्ट किया था। एम्स क्या क्या है, टू ऑप्टिमाइज द नाइट्रोजन बेनिफिशियल रोल, उनके बेनिफिशियल रोल को ऑप्टिमाइज करो और मिनिमाइज करो निगेटिव इफेक्ट को। ओके, एंड दिस प्रोग्राम इज करेंटली अ सस्टेन्ड पार्टनर ऑफ फ्यूचर ऑफ अर्थ। ओके, तो फ्यूचर अर्थ का ये सस्टेन्ड पार्टनर भी है। बाकी सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, इंटरनेशनल नाइट्रोजन इनिशिएटिव भी डिस्कस कर लिया, कॉजेस भी बता दिए आपको, थ्रेट्स भी बता दिए। ओके, तो आई होप कि अब आपको क्लैरिटी आ गई होगी, कोई कहीं और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और जो मैं बता रहा हूँ उसके बाद आपको कुछ देखना ही नहीं है। तो आप सब क्वालिटी जानते हैं हम लोगों की, हमने क्वालिटी हमेशा मेंटेन की है, तो डोंट वरी, जो मैं बता रहा हूँ उतना भी सर्च नहीं करेंगे लोग। तो बेसिकली ये फाइनल है, इसके बाद अगर आपको जानना है तो आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये अल्टीमेट चीज़ है, लेकिन आपको अगर इसके इतना भी आप जानते रहे, इतना भी अगर आपने याद रखा ना, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी and you will be very easily qualifying in examinations and all. Familial फेस जो बेसिकली आर्टिकल है, ये प्रियंका गांधी पे लिखा गया है कि प्रियंका गांधी को जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है कांग्रेस का। सो बेसिकली उसी के ऊपर आर्टिकल था कि क्या ये गेम चेंजर होगा फॉर कांग्रेस एंड ऑल। तो वी विल नॉट बी इंटरिंग इन टू दैट डिबेट, हम उस डिबेट पे इंटर नहीं करेंगे। ओके, सो दिट्स अ वेरी पॉलिटिकल टॉपिक। नाउ अ ट्रेजेडी दैट वॉज लॉन्ग इन द मेकिंग, बेसिकली दिस इज ऑन द मेघालय माइन केस, मेघालय माइन के ऊपर ये था एंड जो इलीगल रैट होल माइनिंग हो रही है। नाउ बेसिकली ऑथर का ये कहना कि 15 माइनर्स ट्रैप हुए, उन सब की डेथ हो गई ईस्ट जयंतिया हिल किसान माइल्स मेघालय में। ओके, ये बैकग्राउंड आपको बता दिया मैंने। नाउ ऑथर का कहना है कि जो ये लोग मरे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ द एपैथी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो, कुछ लोग हो सकता है कि अभी भी गवर्नमेंट को डिफेंड करे, या कुछ लोग ऐसा हो सकता है कि जो ये बोलें कि नहीं है, उन्होंने कोशिश तो की, एयरफोर्स लगी थी, NDRF लगी थी, लेकिन लेट मी टेल यू द पॉइंट्स कि क्यों ऐसा है, कि दिस इज कॉल्ड द एपैथी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। The first important point is that Meghalaya government first had no idea what happens inside the rat hole mines. जब उनसे पूछा गया तो उनको idea ही नहीं था कि rat hole mines क्या होती हैं, कैसे हो रही हैं, what is going on all these rat hole mines जो कि बनाई गई हैं। उन्होंने बोला कि ये private activity है, we do not enter into that domain, therefore we do not know about that. Okay? ये सारी चीजें। दूसरी चीज की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन था, दे एज्यूम्ड द माइनर्स टू बी डेड ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ द ट्रेजेडी। जिस दिन इनको पता चला कि ट्रैप हो गए हैं, उसी दिन उन्होंने ये मान लिया कि उनकी डेथ हो गई है। बेसिकली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ये रिस्पॉन्स था कि उनको लगा कि वो पहले दिन ही उनकी डेथ हो गई है। एंड दिस एजम्पशन वॉज क्लियर बाय अ लेटर रिटन टू NDRF। जो लेटर उन्होंने NDRF को लिखा, रिस्पॉन्स में, डिजास्टर रिस्पॉन्स टीम को लिखा, उसमें क्लियरली उन्होंने ये भी बता दिया कि हमको लगता है कि वो डेथ हो ही गई है। मतलब दिस वॉज शोइंग ऑन ऑल दैट लेटर। तीसरा, अब जो मैं पॉइंट्स आपको बताऊंगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो मेघालय गवर्नमेंट है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी क्यों रिस्पॉन्सिबल है रेस्क्यू के लिए, मैं बताऊंगा आपको। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट मेघालय में माइनिंग बैंड है बाय 2014 से NGT के ऑर्डर के कारण मेघालय माइनिंग बैंड है। तो फिर ये रैट होल माइनिंग क्यों हो रही थी, स्टेट गवर्नमेंट वहां की क्या कर रही थी, दिस वॉज द क्वेश्चन। फोर्थ पॉइंट इज दैट जब माइन फ्लड हुई, जब आपको पता चला कि फ्लडेड है माइन, तो यू शुड हैव यूज द पंप्स। एक आर्टिकल पढ़ा था मैंने स्क्रोल में, एंड दैट वॉज रिगार्डिंग द किर्लोस्कर पंप्स। तो किर्लोस्कर पंप्स जो थे उनका यूज करना था, किर्लोस्कर वालों ने पहले दिन ही बोल दिया था कि आप हमारा यूज कर लो, तो फिर 15 दिन क्यों लग गए वो पंप्स को वहां आने में। Why it took 15 days to get those pumps to that location? वो pumps क्यों नहीं पहुंचे वहां पे? So basically आपको पता है कि mining flood हो चुकी है, वहां से पानी निकालना जरूरी है, but उसमें भी आपको 2 हफ्तों से ज्यादा का समय लगा, 15 दिन का समय लगा। Okay, so this is the apathy of the administration. Fifth point is divers जो थे नेवी के और ये सब थे, इनको 2 हफ्ते लग गए। Okay? एंड 100 हॉर्स पावर के पंप थे, तो पहले तो 2 हफ्ते लग गए इनको आने में, और 2 हफ्ते बाद इनको भी लग गए 2 हफ्ते। ओके, अभी रिसेंटली अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं,
तो थाईलैंड की केव में जो बच्चे फंसे थे, थाईलैंड की जो टीम थी उसके जो बच्चे फंस गए थे केव में, उनको कितना आसानी से निकाला गया, वहां भी ये सारी चीजों की जरूरत थी, बट वहां पे इसको एक इशू बनाया गया, उसको वर्ल्ड लेवल पे पहुंचा गया। इनफैक्ट इंडियंस वर प्रेइंग फॉर दैट, ओके, इंडियंस खुद उनके लिए प्रे कर रहे थे। और जब हमारे माइनर्स फंसे मेघालय में, तो आधे इंडियंस को पता ही नहीं है, 50% तो फेसबुक में अपडेट ही कर रहे हैं बस कुछ और, ओके, 10 ईयर चैलेंज में लगे हुए हैं। तो बेसिकली दैट इज द इशू कि हमारे यहाँ की जानों की कीमत नहीं है। वी डू नॉट पे मच हीड टू द दोज हु आर बीन किल्ड इन इंडिया, इन आवर ओन कंट्री, ओके। तो हमको भी ये जानना पड़ेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया या साउथ इंडिया इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। लोगों को आइडिया नहीं कि नागालैंड है, तो उनको लगता है कि नागालैंड कोई और दूसरी कंट्री है, कुछ इंडियंस को तो ऐसा भी लगता है। तो बेसिकली दैट इज द इशू कि हमारे अंदर अभी नेशनलिज्म डेवलप ही नहीं हुआ, हम अभी लोगों की वैल्यू ही नहीं करना जान रहे। वी शुड, अगर हमको जानों की कीमत होती तो आई थिंक कि ये 15 लोगों में से बचाया जा सकता था, लोगों को, माइनर्स को बचाया, आज वो डेड बॉडी ना निकाल रहे होते अगर थोड़ा जल्दी एक्ट किया होता तो, ओके। तो गवर्नमेंट्स के ऊपर भी होता है, गवर्नमेंट के ऊपर ही होता है इनफैक्ट, कि वो कितना ज्यादा एक्टिव है। आप वहां पे जा रहे हो एज द चीफ ऑफ द कंट्री, यू आर गोइंग देयर, बट यू आर जस्ट इनॉग्रेटिंग बोगी बिल ब्रिज एंड ऑल, ओके। आप बोगी बिल ब्रिज को इनॉग्रेट कर रहे हो और आप वहां पे मेघालय नहीं जा रहे हो, आप वहां माइन के पास नहीं जा रहे हो, वहां पता नहीं कर रहे हो, तो ये चीज गलत है ना। उस टाइम फ्रेम में ही बोगी बिल ब्रिज का इनॉग्रेशन भी हुआ था। सो दैट इज द बिग क्वेश्चन। नाउ ये सारे पॉइंट्स ऑथर ने उठाए हैं कि ये सब चीज़ें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी अपैथी थी। एंड इन इंडिया देर इज नो सिंगल एजेंसी फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स, कोई सिंगल एजेंसी है ही नहीं। कभी आप आर्मी को बुला लेते हो, कभी आप बोलते हो कि ठीक है अब आप सर्विस करने आ जाओ, या कभी NDRF की फोर्सेज आ जाती हैं, टुकड़ी आ जाती हैं, कभी लोकल वॉलंटियर्स ही रहते हैं। तो देर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ डिजास्टर रिस्पॉन्स इन इंडिया। ये चीज़ है कि हमारी डिजास्टर प्रिपेयरनेस बहुत अच्छी नहीं है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर बिग डिजास्टर्स एंड ऑल। तो ये सारे चीज़ें हैं जो कि ऑथर ने डिस्कस किए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल एंड वेरी गुड आर्टिकल, आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, ओके। नाउ सीजन्स वर्स्ट, नाउ दिस आर्टिकल इज बेसिकली ऑन द आउटब्रेक ऑफ इन्फ्लुएंजा इन राजस्थान। तो राजस्थान में जो आउटब्रेक हुआ है इन्फ्लुएंजा का, एक तो स्वाइन फ्लू इन्फ्लुएंजा भी बहुत ज्यादा फैल रहा है, H1N1 बहुत ज्यादा फैल रहा है, एंड सिग्निफिकेंट हेल्थ रिस्क है इस साल सीजनल इन्फ्लुएंजा का। नियरली 2,990 पीपल डाइड बिकॉज ऑफ दिस इन्फ्लुएंजा इन 2015, ओके। तो 15 से बहुत ज़्यादा इफेक्ट शुरू हुआ था और अभी भी ये फिर से दोबारा लूमिंग कर रहा है, इफेक्ट हो रहा है ये इन्फ्लुएंजा का। सो दो दीज आर द रीजंस, दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि आपको दिमाग में रखना है। नाउ स्टेट गवर्नमेंट्स को एक्सक्यूज क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि देर हैज बीन एक्टिव वैक्सीन्स एंड ऑल, जो क्वाड्री वैलेंट वैक्सीन्स हैं, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, एंड आपको पता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ एक्टिव वायरस एंड ऑल। सो देयरफॉर यू शुड नॉट गिव एनी एक्सक्यूजेस एंड ऑल, एंड यू शुड हैव एक्टेड टू रिड्यूस द स्प्रेड ऑफ इन्फ्लुएंजा। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को बिल्कुल एक्ट करना चाहिए था, और बहानेबाजी अब नहीं चलेगी, ओके। नाउ क्वेश्चंस, सॉल्यूशन क्या ऑफर किए हैं एडिटोरियल में, जस्ट हमको ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट आर द सॉल्यूशंस दैट आर ऑफर्ड इन द एडिटोरियल टू काउंटर दिस इन्फ्लुएंजा रिलेटेड डेथ। जो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड डेथ्स हो रही हैं उनको कैसे काउंटर करें। द फर्स्ट पॉइंट इज दैट लार्ज स्केल वैक्सीनेशन कवरिंग हाई रिस्क ग्रुप्स, ओके। तो हाई रिस्क ग्रुप के जो लोग हैं, जैसे कि वर्कर्स हैं, जो लंग किडनी लीवर हार्ट डिसीज जिनको है, उन लोगों को वैक्सीनेशन में कवर जल्दी से जल्दी किया जाए। सेकंड इज यूनिवर्सल प्रिवेंटिव प्रोग्राम शुड बी कंसीडर, एक यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा प्रिवेंटिव प्रोग्राम कंसीडर करना जरूरी है, यूनिवर्सल इन्फ्लुएंजा प्रिवेंटिव प्रोग्राम। थर्ड पॉइंट इज दैट इंश्योर सफिशियंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन, जो क्वाड्रीवेलेंट वैक्सीन है जो अवेलेबल है उसकी अवेलेबिलिटी को मेक श्योर करिए कि बिल्कुल सबके पास मिल जाए, ऐसा ना हो कि इनके लिए कम पड़ेगी उनके लिए कम पड़ेगी। देन देयर शुड बी कैंपेनर्स जो कि एजुकेट करें पब्लिक को थ्रू मास मीडिया का यूज करें, ओके। एंड रेस्पिरेटरी एटिकेट एंड रिस्क रिडक्शन, किस तरीके से आप इसके रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं इन्फ्लुएंजा के, इसके बारे में इन अवेयरनेस स्प्रेड करें, लोगों को आम जनता तक ये जानकारी पहुंचाएं, ओके। एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर टू फेस ऑल दिस थ्रेट्स एंड ऑल, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स है हमारा, डेमोग्राफिक डिविडेंट है, अगर इस तरह से बीमार होता रहेगा, डेथ होती रहेगी, तो दैट विल नॉट बी गुड फॉर अस, ओके। नाउ द ग्राउंड बिनीथ अवर फीट हैज मूव्ड द राइट, बेसिकली दिस आर्टिकल इज ऑन द राइट वर्ल्ड शिफ्ट इन द पॉलिटिक्स। जो पॉलिटिक्स में राइट वर्ल्ड शिफ्ट हुआ है, चाहे वो ब्राजील का एग्जाम्पल ले लो, जायर बोल्सोनोरो का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का एग्जाम्पल ले लो, चाहे आप जो एक्सट्रीम हेट्रेड फैल रही है अमंग हिंदूज एंड मुस्लिम्स, आप उसको एग्जाम्पल ले लो, ओके। तो बेसिकली दीज आर द रीजन जो कि बताते हैं कि राइट वर्ल्ड शिफ्ट हो गया। नाउ दीज आर द व्यूज ऑफ द ऑथर, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, दीज आर द व्यूज ऑफ द ऑथर, ओके। सो
राइटवर्ड शिफ्ट हो गई है पॉलिटिक्स। ब्राजील में हमने एग्जांपल लिया जायर बोल्सोनोरो का, ओके वहाँ पे जो एक्सट्रीम राइट लीडर है, ट्रंप ऑफ द ट्रॉपिक्स उनको कहा जाता है, ट्रंप ऑफ द ट्रॉपिक्स, ओके ट्रॉपिक्स के डोनाल्ड ट्रंप हैं वो। एंड डोनाल्ड ट्रंप का जो एलिवेशन हुआ अमेरिकन पॉलिटिक्स में वो भी दिखाता है कि राइटवर्ड शिफ्ट है कहीं ना कहीं, अमेरिका फॉर अमेरिकन, मतलब एक तरीके का जो रीजनलिज्म और जो शॉविनिज्म इस तरह की जो स्प्रेड होती हैं चीज़ें वो बेसिकली दिखा रहे हैं कि राइटवर्ड शिफ्ट है। देन एक्सट्रीम हेट्रेड बिटवीन इंडियंस में और यहाँ पे भी लोगों में काफ़ी हेट्रेड हेट स्पीच होना शुरू हो गए हैं। ये रिसेंटली अगर आपने 2-3 सालों में देखा, बहुत ज़्यादा इवेंट्स ऐसे हैं कि सम हिंदूज और मोनोलिथिक हिंदूज ग्रुप बन गए हैं, मोनोलिथिक मुस्लिम ग्रुप बन गए हैं, मोनोलिथिक ये सारी चीज़ें ग्रुप, मतलब एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर अटैक कर रहा है, बोल रहा है, हेट स्पीच फैला रहा है, लड़ाई झगड़ा करवाने की कोशिश कर रहा है। तो बेसिकली एक तो रिलीजन है, दूसरा कास्ट क्लास और जेंडर के बेसिस पे भी ये सारी चीज़ें शुरू हो गई, कास्ट क्लास एंड जेंडर। चाहे हम ट्रिपल तलाक का इशू देख लें, चाहे हम सबरीमाला का इशू देख लें, तो जेंडर डिस्प्यूट्स हैं वो, ओके। चाहे कास्ट डिस्प्यूट देख लें, रोहित वेमुला का केस देख लें, या कोई भी इस तरह से कास्ट दलित्स को के केस देख लें, तो बेसिकली देज आर द कास्ट डिस्प्यूट्स एंड ऑल, क्लास डिस्प्यूट्स भी हो ही रहे हैं। तो बेसिकली ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये राइटवर्ड शिफ्ट है। एंड ऑथर सेज दैट कि यूनिक इंडिया में नहीं, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ इंडिया में है, ये हर जगह है जो हेटफुल मैसेजेस हैं। एंड उसका सबसे बड़ा कारण जो है बेसिकली वो सोशल मीडिया को बोला जा रहा है, जो हेट स्पीच और ये सब चीज़ें हो रही हैं बेसिकली सोशल मीडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। क्योंकि आधे लोग जो है 95% वेदर दे आर इंडियंस और फ्रॉम अब्रॉड, चाहे वो इंडियंस हो या किसी विदेश के लोग हों, 95% जो इस समय ग्रेजुएशन ले रहे हैं वो अपनी व्हाट्सएप और फेसबुक यूनिवर्सिटी से ले रहे हैं, ओके तो फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मिल रहा है उनको। और उस ग्रेजुएशन की बात यह कि उसका कोई सिलेबस नहीं है, कभी भी कुछ भी न्यूज़ आ जाती है उसमें, कभी भी कुछ भी उसमें सिलेबस में आ जाता है। तो लोगों को लगने लगता है कि भाई यहाँ लिख दिया मतलब ये सही है, ओके बाकी आप कहीं भी हिंदू पढ़ते रहो, हिंदू पढ़ाते रहो, उसमें कुछ नहीं समझ आता। लेकिन अगर व्हाट्सएप में आ गया तो वो ज़रूर सेंड करेंगे 100 लोगों को, ओके तो बेसिकली दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस हेटफुल मैसेजिंग एंड ऑल। कई बार ऐसा होता है कि क्रॉप्ड फोटोज़ आती हैं, प्रॉप्ड फोटोज़ आती हैं, डॉक्टर्ड वीडियोज़ आते हैं, डॉक्टर्ड फोटोज़ आती हैं, लेकिन क्रॉस चेक तो किसी को करना नहीं है, क्रॉस चेक नहीं करना। जैसे अभी रिसेंटली आई गॉट अ मैसेज रिगार्डिंग मुशायरा ऑफ सुहासिनी हैदर, मतलब सुहासिनी हैदर का मुशायरा चल रहा है, तो उसमें कोई और ही मुशायरा कर रहा था, नाम सुहासिनी हैदर का लिख दिया। एंड सुहासिनी हैदर आप सबको पता है कि इंडिया एंड अब्रॉड रिलेशंस पे द हिंदू की एडिटोरियल राइटर है, वो एडिटोरियल लिखती हैं, उनके नाम का मुशायरा चल रहा था, वो उसमें कोई और ही व्यक्ति बोल रहा था, नाम किसी और का चला दिया। तो बेसिकली ये फेक न्यूज़ और इस सब के ज़माने में ये सारी चीज़ें घटनाएँ ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली वही चीज़ें आर्टिकल में बोली गई ना, व्हाट आर द सॉल्यूशंस जो कि किए हैं ऑथर ने बताए हैं कि इस हेट स्पीच को कैसे आप कम कर सकते हो। तो फर्स्ट इज दैट यू शुड हैव स्ट्रॉन्गर लॉज टू पनिश दोज इन्वॉल्व इन हेट मॉन्गरिंग, जो लोग हेट मॉन्गरिंग में इन्वॉल्व है उनके लिए स्ट्रॉन्गर लॉज आप बनाओ। दूसरा, यू शुड हैव मल्टी फेसेटेड कल्चर एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है चल रहा है वो आपको समझना जरूरी है कि डेमोक्रेसी जो है वो मेजोरिटेरियनिज्म नहीं है, डेमोक्रेसी इज नॉट मेजोरिटेरियनिज्म, मतलब मेजोरिटी जो बोले वही हमेशा सही नहीं होता। ऐसा नहीं है कि अगर 100 लोग हैं और 90 लोगों ने कोई एक चीज़ बोली और 10 लोगों ने कोई दूसरी चीज़, तो हमको ये लेट करके नहीं चलना है कि 90 लोग सही बोल रहे हैं और 10 लोग गलत बोल रहे हैं। बेसिकली लेट मी गिव यू अ कोट फ्रॉम हिटलर ने एक चीज़ कहा था कि किसी झूठ को इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम एक्सटेंट में बोलो, इतने ज़्यादा लोग एक झूठ को बोलो कि वो सच लगने लगे। तो मेजोरिटेरियनिज्म का मतलब हमेशा, देखो कई बार मेजोरिटी सही भी होती है बट ज़रूरी नहीं कि हमेशा सही हो, बेसिकली दैट इज़ दी आर्ग्यूमेंट, ओके। तो हिटलर ना बने कि किसी झूठ को इतना कोलोकियल लेवल पे बोलो कि वो सही लगने लगे, कोलोसल बोलो, इतना झूठ इतना कोलोसल होना चाहिए कि वो सही लगने लगे, तो ये गलत है। मेजोरिटी रूल कभी डेमोक्रेसी नहीं होता, डेमोक्रेसी में सबका रिप्रेजेंटेशन देखा जाता है, एवरीवन रिस्पॉन्सिबल एंड एवरीवन वैल्यूज इन डेमोक्रेसी, ओके। तो ये चीजें हैं जो ऑथर ने कही, ये समझना जरूरी है, देन ओनली ये हेट मॉकरिंग खत्म हो पाएगी। नाउ दिस जो यस नो कॉम्प्लिकेटेड आर्टिकल है बेसिकली वो आज आया है, आर वी अंडरमाइनिंग अवर साइंटिफिक टेंपर। नाउ इस क्वेश्चन को आप नोट कर लो, बेसिकली दिस कैन बी अ मेन्स क्वेश्चन, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंस क्वेश्चन है, और इस आंसर को मैंने बिल्कुल उसी फॉर्म में बना दिया है कि वाई एस यस वाई नो, पूरे पॉइंट मैं आपको दे दूंगा और उन्हीं पॉइंट्स को आप चिपका के आ जाना है आंसर में, यू विल गेट फुल मार्क्स, ओके। तो फर्स्ट थिंग इज दैट आर वी अंडरमाइनिंग साइंटिफिक टेंपर, मैंने लिख दिया है, दिस कुड बी आस्क्ड इन क्वेश्चन मेंस में पूछा जा सकता है, ओके। अब इसका बैकग्राउंड बेसिकली है कि इंडियन साइंस कांग्रेस हुई और वहां पे हमने जड़ी बूटियों और इन सब के बारे में बताना शुरू कर दिया वहां पे, ओके। इंडियन साइंस कांग्रेस में संजीवनी बूटी एंड पुष्पक विमान के बारे में हमने वहां पे खूब सारा बताया। तो
बेसिकली वही है कि अनसाइंटिफिक क्लेम्स जो शुरू हो गए थे इन द साइंटिफिक कम्युनिटी वहाँ की मीटिंग में, तो उसके ऊपर ही ये बेसिकली आर्टिकल है कि क्या ये सही था, मतलब क्या हमारी जो सोसाइटी वो साइंटिफिक टेम्पर से दूर जा रही है, व्हाट इज दिस. ओके नाउ व्हाट आर द आर्ग्यूमेंट्स विच आर गिवन इन फेवर ऑफ दिस स्टेटमेंट कि यस, मतलब कि हाँ हम अंडरमाइन कर रहे हैं साइंटिफिक टेम्पर को, उसके रिगार्डिंग कौन कौन से आर्ग्यूमेंट है देख लो. ठीक है, फर्स्ट इज दैट वास्ट मेजोरिटी ऑफ इंडियन एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर एक्टिवली डिस्करेजिंग द लर्निंग एंड रिसर्च. बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे बन रहे हैं जो इंस्टीट्यूट्स की मशरूमिंग हो गई बेसिकली. अगर आप देखें तो इंजीनियरिंग के लिए नियरली 300 इंस्टीट्यूट्स हैं. ओके उसी तरीके से हर डिग्री प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको मैनेजमेंट कोटा में प्रोवाइड कर देंगे, आपको नॉर्मल कोटा में कर देंगे, फ्री में कर देंगे, ये सारी चीज़ें बहुत सारी हो रही हैं. तो वहाँ पे जो है वो डिस्करेज होते हैं लर्निंग रिसर्च, वहाँ पे ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं बच्चे और ये सारी चीज़ें होती हैं. सेकंड इज दैट इवन एजुकेटेड पीपल इन आर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट रिड ऑफ देयर सुपरस्टिशंस. ओके तो काली बिल्ली अगर रास्ता काट गई है तो कोई नहीं क्रॉस करेगा वो रोड. ओके तो बेसिकली ये पढ़े लिखे लोग भी हमारे यहाँ करते हैं बेसिकली. हो सकता है, देखो मैं बिल्कुल आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहा हूँ कि ये गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट मैं जस्ट आई एम टेलिंग यू दैट सुपरस्टिशंस है. अब वो पहले क्यों बनाए गए थे और अभी क्यों बनाए गए, अभी क्यों चल रहे हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई तर्क नहीं, क्योंकि मैं तो उस जमाने में था नहीं जब ये बना होगा नियम. तो बेसिकली दैट इज माय आर्ग्यूमेंट कि आप पहले कोई चीज़ सोचो समझो तो कि जो चला रहे हैं उसको चलाते रहोगे, हमेशा के लिए चलाते रहोगे. भैया अगर बिल्ली रास्ता काट गई है तो मुझे लगता है कि ह्यूमन बींग से ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं, तो बिल्ली को रुकना चाहिए अगर इंसान रास्ता काट जाए तो, और बिल्ली के काटने पर इंसान को नहीं रुकना चाहिए. तो बेसिकली वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि हम ज़्यादा खतरनाक हैं जानवरों से, सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग. द थर्ड स्टेटमेंट इज दैट गॉड मैन केटरिंग टू एजुकेटेड मिडिल क्लास. अब बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जो बापू के मुशायरे में नाच रहे थे या जो कि डेरा सच्चा सौदा के उसमें नाच रहे थे, बट फाइनली हमको पता चला कि वहाँ पे उन्होंने मर्डर किया है, किसी को पता चला कि उन्होंने रेप किया है. ओके तो इस किस तरीके से मिडिल क्लास को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, अगर ये साइंटिफिक मिडिल क्लास है तो ये कैसे बेवकूफ़ बन रहा है इस तरीके से. तो ये सारे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो बेसिकली बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो साइंटिफिक टेम्पर है लोगों का वो झुक जाता है ये आपके सुपरस्टिशंस के सामने और इस तरह के मिसबिलीव्स के सामने. ओके देन फंडिंग फॉर साइंस इज इनएडिक्वेट इन आर कंट्री. कल भी मैंने बताया था कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत कम इन्वेस्ट होता है इंडिया में, तो वो फंडिंग इनकम है. जब पैसा ही नहीं लगा रहे हो आप तो रिसर्च कैसे होगी, आप कुछ डिस्कवर या किस तरह से कुछ चीज़ बनाओगे. देन टीचिंग हैज़ बिकेम वेरी पोलिटिकल गेम इन स्कूल्स. ओके जहाँ पे फैक्ट चेंजिंग हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2002 में एनसीईआरटी के सिलेबस चेंज कर दिए गए थे, जैसे ही नई गवर्नमेंट आई उन्होंने सिलेबस चेंज कर दिए, कुछ चीज़ों को रिमूव कर दिया, कुछ चीज़ों को इंक्लूड कर दिया, हर गवर्नमेंट कर दी बेसिकली. माई पॉइंट इज नॉट रिगार्डिंग एनी पार्टी या कोई, बिल्कुल पार्टी न्यूट्रल रखे मैं बता रहा हूं कि हर गवर्नमेंट करती है, वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इज बीजेपी, कोई और पार्टी पावर में आ जाएगी सेंटर पे तो वो भी यही चीज करेगी कि वो जो सिलेबस है उसको अपने अकॉर्डिंग टेम्पर करेगी और उसमें चाहेगी कि हमारे फैक्ट ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट हो और सामने वाले को थोड़ा ज्यादा बुरी तरीके से दिखाया जाए. तो वेदर इट इज कांग्रेस, वेदर इट इज बीजेपी, हर पार्टी सेम चीज है, एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसको बोलते हैं, तो वही चीज है. नाउ दीज आर द पॉइंट्स जो कि बताते हैं कि साइंटिफिक टेम्पर हमारी कंट्री में कम हो रहा है. नाउ व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर सेइंग दैट कि नहीं कम नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट थिंग इज दैट कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जितने भी हुए हैं उन सभी ने साइंटिफिक टेम्पर को हमेशा सपोर्ट किया है. तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आएगा, ऑब्वियसली बात है, IITs, IIM ये सारी चीज़ें स्टार्ट करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया करवाया था. प्लस उन्होंने तो हमेशा ये कहा ही है कि साइंटिफिक टेम्पर, बेसिकली आई हैव रेड एन आर्टिकल जिसमें उनको एक लेटर लिखा जाता है एस्ट्रोलॉजी की एक बुक के ऊपर, तो वहाँ पर भी उन्होंने जो लेटर का रिस्पॉन्स दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने यही कहा था कि सिंस मैं साइंटिफिक टेम्पर में बिलीव करता हूँ इसलिए मैं आपकी बुक को इनॉग्रेट नहीं करूँगा. मतलब ही रिजेक्टेड द इनॉग्रेशन ऑफ दैट बुक ऑल्सो, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं साइंटिफिक चीज़ों पर बिलीव करता हूँ, एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव नहीं करता हूं, therefore I will not be able to inaugurate your book. So this was the letter written by जवाहरलाल नेहरू. ना उसके बाद हमारे चाहे शास्त्री जी को ले लीजिए या फिर अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ले लीजिए, उन्होंने जय अनुसंधान जोड़ा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान. ओके तो जय अनुसंधान तो जोड़ा ना, तो ये भी तो साइंटिफिक टेम्पर ही दिखा रहा है कि अनुसंधान एंड रिसर्च एंड ये सारी चीज़ें. तो बेसिकली उसी के बारे में आता है कि हर प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा यही चीज़ कही है. ओके तो दीज आर द आर्ग्यूमेंट्स जो कि फेवर में है. तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि इंडिया इज अमंग टॉप 10 कंट्रीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च. AI में अगर देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो टॉप 3rd कंट्री है इंडिया. तो ये सारी चीज़ें बताती है कि हमारे यहाँ रिसर्च होता है, ऐसा नहीं भाई कि हमारे रिसर्च नहीं होता. वी आर द टॉप 10 कंट्रीज फॉर साइंटिफिक रिसर्च अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ एल्सवियर. ओके तो एल्सवियर का डेटा है उसके अकॉर्डिंग. देन AI में हम 3rd नंबर पे हैं, AI की रिसर्च में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रिसर्च में. देन स्पेस मिशन में इसरो ने हमें टॉप 6 कंट्रीज में ला दिया है. इसरो तो बहुत ही खतरनाक इंस्टीट्यूशन है, खैर बहुत अच्छा है, एंड टॉप 6 में हमको ला दिया है. देन मीडिया है जो कि
अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में फोकस करती है, इसीलिए वो ज़्यादा दिखता है। देखो मीडिया में अगर आप देखो तो ज़रूर दिखाएंगे कि ये नदी जहाँ से जहाँ अचानक पानी लाल हो गया, ये लाल पानी था अचानक नीला हो गया। तो बेसिकली मीडिया इन सारी चीज़ों को फोकस करती है, अगर इन पे फोकस करना बंद कर दे तो साइंटिफिक नेचर कहीं आपको ना कहीं कहीं ना कहीं लोगों को दिखने लगेगा। मीडिया खुद रिस्पॉन्सिबल है ये अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को दिखाने के लिए। सो दिस वॉज द कम्प्लीट डिस्कशन ऑन दिस। ओके, कॉम्प्लिकेटेड में कुछ नहीं होता, कॉम्प्लिकेटेड मतलब कुछ नहीं, इस बार तो ये वाला कॉम्प्लिकेटेड ठीक ठाक था नहीं, यस नो में ही आपका आंसर बेसिकली बनेगा, तो वो दोनों बताने जरूरी थे, आई टोल्ड यू दैट। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम। सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज्ड टू स्टे द अमेंडमेंट्स टू एससी एसटी एक्ट। तो एससी एक्ट पहले बता दूं कब आया था, बेसिकली एससी एक्ट प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट आया था 1989 में। ओके, तो एससी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 में आया था। तो दिस वॉज बेसिकली टू स्टॉप दिस एट्रोसिटीज ऑन द जो भी जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उनके ऊपर अगर कोई एट्रोसिटी की जाती है बाय द हायर ग्रुप पीपल, तो उसको रोकने के लिए एक्ट आया था 1989 में आया था। नाउ उसके अंदर एक प्रोविजन है दैट इट बार्स द एंटीसिपेटरी बेल, मतलब आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल सकती है, यू कैन नॉट गेट द एंटीसिपेटरी बेल इन दैट। नाउ सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली मार्च 20 को एक जजमेंट दिया था, मार्च 20 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है और आपको पहले चेकिंग करनी पड़ेगी बिफोर अरेस्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स, आपको चेकिंग करनी पड़ेगी और एंटीसिपेटरी बेल अलाउ कर दी थी। इसके अगेंस्ट बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ कंट्री में, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुए, एंड इसके बाद गवर्नमेंट ने पॉपुलिज्म को देखते हुए उन्होंने क्या किया कि दे पास्ड अमेंडमेंट्स टू दैट, और उन्होंने फिर से वो चीज़ लागू कर दी कि एंटीसिपेटरी बिल नहीं मिल सकती है। ओके, दे अगेन डिड द सेम थिंग एंड उन्होंने जैसा पहले था वैसे ही कर दिया प्रोविजन। ओके, नाउ सुप्रीम कोर्ट पे अपील की गई कि ये आपके जो आपका जो लॉ बनाया गया था, आपने जो डिसीजन दिया था उसको नलीफाई कर रहा है और आपके प्रोविजंस को डाइल्यूट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वी कैन नॉट रिमूव दैट, वी कैन नॉट पुट अ स्टे ऑन दैट नाउ। ओके, तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया उसी पे स्टे लगाने से। आई होप आपको क्लियर हो गया, इशू क्लियर हो गया होगा, दैट इशू इज इंपॉर्टेंट। नाउ आईसीआईसीआई लोन स्कैम चल रहा है, बेसिकली चंदा कोचर को और उनके हस्बैंड को अरेस्ट, मतलब अरेस्ट नहीं, मतलब उनके ऊपर एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी शुरू की जाएगी। आईसीआईसीआई लोन स्कैम, मतलब लोन स्कैम बेसिकली मैं बता देता हूँ, आपको आइडिया होना चाहिए एटलीस्ट कि जो आरबीआई है, आरबीआई ने एक लिमिट तय की है। ओके, आरबीआई ने एक सैंक्शनड लिमिट तय की है कि इससे ज्यादा लोन आपको नहीं देना है, बट उस लिमिट को बहुत ज़्यादा तरीके से एक्सीड किया गया और उस जो एक्सीड किया गया लोन को, लिमिट को, उसके कारण जो गवर्नमेंट को नुकसान हुआ, लगभग इंडिया को नुकसान हुआ, इंडिया की इकोनॉमी को लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान था। ओके, तो मोर देन 1,000 करोड़ का लॉस हुआ है बिकॉज ऑफ दैट लोन। मतलब सपोज अगर 100 रुपये देने की लिमिट आरबीआई ने तय की है तो इन्होंने 1,000 रुपये का लोन दे दिया है। ओके, बेसिकली इशू यही है। आईसीआईसीआई लोन स्कैम अगर आपको कोई पूछे तो सिंपल टर्म्स में बताइएगा कि जितनी सैंक्शनड स्ट्रेंथ, जितनी सैंक्शनड लिमिट है लोन देने की किसी एक बैंक द्वारा, आरबीआई ने सैंक्शन दी है, की है कि भैया ठीक है आप 100 रुपये ही कर सकते हो लोन के रूप में, तो आईसीआईसीआई ने चंदा कोचर और इनके रिजीम में बहुत ज़्यादा उसको एक्सीड किया और बहुत ज़्यादा लोन दे दिया, बिकॉज ऑफ दैट कंट्री को लगभग, इकोनॉमी को लगभग 1,000 करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, अब प्रवासी भारतीय दिवस में जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है, दिस इज व्हाट हैज बीन डिस्कस्ड इन दिस। प्रवासी भारतीय दिवस इस बार का मैं बता देता हूँ, वाराणसी में सेलिब्रेट किया गया और 21-22 को क्यों सेलिब्रेट किया गया, क्योंकि कुंभ के साथ इसको मैच करना था। ओके, तो कुंभ के साथ मैच हो जाए तो ज़्यादा लोग आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बहुत कम लोग आए। अभी भी 17 में अगर आप देखो तो 8,000 लोग आए थे 2017 में, बेंगलुरु में हुआ था, बट अगर 19 में वाराणसी में, वो भी कुंभ के टाइम में, केवल 5,000 लोग आए। तो दैट इज़ द थिंग विच इज शोइंग कि अब जो प्रवासी भारतीय दिवस है वहाँ पे भी लोगों की अटेंडेंस कम होती जा रही है। नाउ इंडिया साउथ अफ्रीका टू रिवाइज 22-year-old स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। इस बार के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं रिपब्लिक डे के, वह हैं सिरिल रैम्फोसा। ओके, तो सिरिल रैम्फोसा इज द चीफ गेस्ट एंड साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं, वो रिपब्लिक डे के साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट हैं। एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आया था, द स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका, जो इंडिया साउथ अफ्रीका की स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है उसको रेड फोर्ट डिक्लेरेशन बोलते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इज कॉल्ड रेड फोर्ट डिक्लेरेशन। और ये रेड फोर्ट डिक्लेरेशन कब साइन हुआ था, 1997 में साइन हुआ था। दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। ओके, तो 1997 में साइन हुआ था ये, एंड आपका ये रेड फोर्ट डिक्लेरेशन कहलाता है, एंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका को ही रेड फोर्ट डिक्लेरेशन कहते हैं। तो ये भी मैंने आपको बता दिया, ये तो प्रिलिम्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल प्रिलिम्स का क्वेश्चन है कि रेड फोर्ट डिक्लेरेशन क्या है। तो याद रखिएगा, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच की जो पार्टनरशिप है 1997 में साइन हुई थी, उसी को बोलते हैं ये हम
रेड फोर्ट डिक्लेरेशन। अशोक चक्र फॉर लांस नायक नाजिर अहमद वानी, तो नाजिर अहमद वानी को इस बार अशोक चक्र मिलेगा। अशोक चक्र के बारे में बता दूं, इट इज इंडियाज हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, मतलब जब आपका देश युद्ध पे ना हो उस समय जब ये हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड होता है वो अशोक चक्र कहलाता है। एंड अगर पीस टाइम का नहीं, वॉर टाइम का जो आपका अवार्ड होता है वो है परमवीर चक्र। तो वॉर टाइम के लिए परमवीर चक्र है, पीस टाइम के लिए अशोक चक्र है। एंड ही इज द फर्स्ट फ्रॉम कश्मीर टू रिसीव दिस अवार्ड, कश्मीर के पहले हैं लांस नायक नाजिर अहमद वानी कश्मीर के पहले हैं जिनको ये अशोक चक्र मिलेगा, अशोक चक्र का सम्मान मिलेगा। एंड इट इज द हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, ये भी याद रखेगा। ओके, नाउ इन दिस पेज कोई ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज जो हमको डिस्कस करनी जरूरी है वो है श्रीलंकन फार्मर्स बैटलिंग पावरफुल वर्म। तो एक पावरफुल वर्म है जो कि वहां पे मेज के प्लांटेशन को खराब कर रहा है। तो याद रखेगा, बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि उस वर्म का नाम क्या है जो कि श्रीलंका में मेज के क्रॉप को खराब कर रहा है, उसका नाम है आर्मी वर्म। रिमेंबर दैट द नेम इज आर्मी वर्म। एंड ये कर्नाटका में भी इसका इफेक्ट देखा गया था, बट याद रखेगा कि श्रीलंका में मेज फार्मर्स आर बैटलिंग दिस पावरफुल एनिमी जिसका नाम है आर्मी वर्म। और दूसरा तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आर्मी वर्म इनमें से कौन से क्रॉप को खराब करता है, तो ये मेज के प्लांटेशन को खराब करता है। दीज आर द टू फैक्ट्स विच कैन बी आस्क्ड इन दिस न्यूज आइटम, याद रखिएगा आर्मी वर्म और लगभग 50% मेज क्रॉप को, क्रॉप एरिया को खराब कर दिया इसने, 50% मेज क्रॉप एरिया को खराब कर दिया। दिस इज द एक्सटेंट कि कितना ज्यादा इन्होंने नुकसान कराया है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज आइटम, कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम जो हमको डिस्कस करनी है, सो लेट्स सी स्पोर्ट्स पेज एंड ऑल, नो न्यूज आइटम। देन कालिया स्कीम, कालिया स्कीम मैंने पहले ही बताया आपको, उड़ीसा की पायनियर स्कीम है जो कि फार्मर्स को एम्पावर करती है। वही बता रहे हैं जो नवीन पटनायक बता रहे हैं कि कालिया स्कीम इज इंक्लूसिव, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज कमिटेड एंड ऑल, ये सारी चीज़ें हैं। याद रखिएगा कालिया स्कीम आपकी उड़ीसा से रिलेटेड है। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया, मज़ा आया होगा आपको। ओके, तो प्लीज़ डू प्रोवाइड फीडबैक, PDF देख लीजिएगा, अगर आपको सही लगे तो आप ले लीजिएगा। दैट इज इट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।